और आपका अच्छी स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी हॉरर फिल्म का टीजर, जिसका टाइटल है भाई राजा साहब, दी राजा साहब। और इसको डायरेक्ट किया है मारुति ने, और इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है टी जी विश्वा प्रसाद विवेक और श्री निवासा कुमार नायडू। और मजे की बात ये कि डायरेक्ट की है मारुति ने और इसको इट इज रिटन बाय आल्सो मारुति। और कास्ट में है प्रभास है एज राजा साहब, संजय दत्त सर है, वाओ, निधि अग्रवाल है, मलाविका है, रिधि कुमार है और साथ में योगी बाबू हैं। चलिए देखते हैं इसका टीजर। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके लिए मैं लोग चैनल इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गाड़ी को देखने के लगा थोड़ा सा देखने के लिए एक पैन इंडियन मूवी, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि एक तो जो डिफरेंट ऑडियंस है, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता और आप बहुत इंजॉय करते हो मूवी को। बट जैसे ही ये टीजर जो है वो स्टार्ट होता है तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि लाइक आपको फ्लेवर नजर आया साउथ का, वो वाला म्यूजिक तो बहुत अच्छा था, एंट्री भी बड़ी धांसू थी लेकिन इंजॉय किया यार। मुझे जो है ना थोड़ा सा प्लॉट जो है ना वही आपको जो एक मूवीज में देखने को मिलता है कि पुराना टाइम, अच्छा वो तो मुझे जैसे 1920 उस टाइम वाला, उस टाइम का, क्योंकि बिल्डिंग देखकर, गाड़ी देखकर, बाइक्स को देखकर नहीं, सिर्फ बिल्डिंग को, गाड़ियों को देखकर जो है ना मुझे जो है ये फील आई। लेकिन इससे पहले जो है ना हम देखते थे भाई कॉमेडी हॉरर मूवीज जो है वो एक जॉनर जो है वो नजर आता था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है मैं देख रहा हूँ भाई रोमांटिक कॉमेडी हॉरर जो है, यानी कि अब एक उसमें रोमांटिक वर्ड जो है वो ऐड हो गया। अब ये नहीं पता कि रोमांस जो है वो किसके साथ होगा, क्योंकि लाजमी बात है पहले कॉमेडी हॉरर में आपको ये देखने को मिलता था कि भाई जो हीरोइन होती थी या आपको स्पॉटिंग कैरेक्टर्स में जो देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं उनमें जो है ना आत्मा का वश होता था। बिल्कुल ऐसा ही तो इस बार रोमांटिक जुड़ गया। तो वैसे भी प्रभास सर जो हैं वो काफी ज्यादा आपको रोमांटिक लगते हैं, हर उनकी मूवीज इस तरह की होती है। और वैसे भी उनका टाइटल भी तो साथ में डार्लिंग प्रभास बोला जाता है। देखिए वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, साथ में उन्होंने रोमांटिक जो है वो जोड़ दिया हुआ है। तो अब देखना अब जो, क्योंकि अभी 2025 में जो है ये मूवी यानी लगभग जो है 10-11 महीने जो है 20 में बाकी है, तो देखने वाली होगी इसके ट्रेलर टीजर दोनों। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही है कि आपको कॉमेडी भी देखने को मिल रही है, जो कि हम लोगों को इस छोटे से ग्लिम्प में नजर भी आ गया। आपको रोमांस भी देखने को मिल रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पर वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। हाँ, वो सेल्फ लव होता है ना, लाइक जिस तरीके से वो मिरर जो है घूमता रहता है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि गाड़ी का मिरर जिस तरीके से ऐसे घूमता है ना। वो पुरानी वो एक है ना मूवीज है जिसमें मिरर मिरर ऑन द वॉल, वो वाला लग रहा था मुझे। और जैसे, फिर जैसे वो फूलों से लेकर अपनी नजर उतारते हैं और फेंकते हैं तो उससे पता चलता है कि काफी सेल्फ ऑब्सेशन है उनको। और इस मूवी में अच्छा खासा हम लोगों को कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं ना वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो अगला बंदा काफी ज्यादा इंजॉय करता है। बाकी और तो एज सच कुछ किसी और की एंट्री नहीं दिखाई गई, बट आई एम श्योर कि मूवी जो है वो आपको मे बी कहीं ना कहीं पर, जैसे हम लोग कंचना मूवी देखी थी, मतलब उसमें भी आप देखो ना कि वो भी तो कॉमेडी हॉरर थी। एग्जैक्टली, कॉमेडी हॉरर थी, वही तो कह रही हूँ। उसमें रोमांस इतना ज्यादा तो नहीं था, इसमें पता नहीं कितना रोमांस होगा। कंचना में तो मैंने कभी रोमांस यार नहीं, अब देखो कंचना में रोमांस नहीं था, लेकिन जब उसका रीमेक बना था ना जो कि अक्षय कुमार से, उसमें आपको फिर भी थोड़ा बहुत जो आप कह लो कि
क्यारा और अक्षय कुमार के बीच में एक रोमांस देखने को मिलता था, लाइक यू नो जैसे हम कह लें कि तुम पता नहीं कौन सा वाला रोमांस समझ रहे हो, मैं बातों वाला रोमांस की बात कर रही हूँ. बट एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूंगी कि इंतजार रहेगा. अभी रिसेंटली प्रभास सर की बहुत ही सक्सेसफुल मूवी लोगों ने इंजॉय की है, प्रभास सर के फैंस ने, और वो थी कल की. और अब नेक्स्ट ईयर फिर से भाई एक तोहफा मिल रहा है प्रभास सर के फैंस को. आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि मूवी का क्या प्लॉट होगा. इतनी जल्दी तो खैर अभी तो सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्प ही हम लोगों ने देखा है, बट क्या आइडिया आप लगा सकते हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. इसी साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. गुड बाय.